हेलो एवरीवन जोर शोर से तैयारियां चल रही होगी आपकी एग्जाम की माय बेस्ट विशेस फॉर यू फॉर हैविंग अ सेफ एंड अ वंडरफुल एग्जाम में यू गिव योर बेस्ट परफॉर्मेंस एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर ऑल योर कमिंग एग्जाम्स ये फाइनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग न्यू कोर्स के स्टूडेंट्स के लिए एक छोटा सा वीडियो

यूजुली नवंबर 2020 ट्वेंटी में फाइनेंशियल स्टेटमेंट ईयर एंडिंग थर्टी मार्च 2020 के आएंगे हेंस डीडीटी इससे पहले कोई डिविडेंड पे हुआ है तो उस पर एप्लीकेबल होगा इसके बाद कोई प्रपोज हुआ है तो ऐसे भी हम उसे अकाउंट फॉर नहीं सिर्फ डिस्क्लोज करते हैं यानी कि हम ये कह सकते हैं कि कॉन्सेपचुअली इंस्टीट्यूट को जो सवाल आपसे पूछना चाहिए थर्टी नवम्बर ट्वेंटी ट्वेंटी में उसमें डी का ही एडजस्टमेंट आना चाहिए आइडियली तो वो ना पूछे तो बेहतर है क्यों क्योंकि अब वो अबॉलिश ही हो चुका है बट देन नेवर लेस इसका मतलब आपको कुछ भी नया पढ़ने की जरूरत नहीं है कोई अमेंडमेंट देखने की जरूरत नहीं है जो आपने पढ़ाई वही अपने आप में आपके लिए अप्रोप्रिएट है बट एक बार फिर भी मैं आपको क्विकली डी के कॉन्सेप्ट ब्रशअप करा देता हूँ वॉट यू ऑलरेडी स्टडीड सो दैट यू कैन जस्ट काइंड ऑफ क्विकली रिवाइविट एंड इन केस अगर डिविडेंट फर्स्ट अप्रैल ट्वेंटी के बाद पे होता है तो क्या सिचुएन बनेगी वी कम टू दैट ऑल्सो आ जस्ट टू सेव टाइम हाइव दिस काइंड ऑफ क्रिएटेड समथिंग ऑलरेडी हियर आई कैन जस्स क्विकली गो थ्रू दिस सो दैट आई कैन बी अ लिटिल क्विक थर्टी फर्स्ट मार्च 2020 तक सेक्शन 150 फिफ्टी वन वन फाइव ओ क्या डी डी टी पे करना है सब्सिडी ने होल्डिंग को डिविडेंड दिया है उसके ऊपर जो टैक्स पे हुआ है होल्डिंग अगर आगे डिविडेंड दे रही है जो टैक्स पेबल होगा उसका क्रेडिट ले सकती है कैश कैडिंग इफेक्ट बचाने के लिए इस लॉजिक से हमारी पेरेंट सब्सिडी सिक्सटी परसेंट होल्डिंग सब्सिडी ने सौ रुपये का डिविडेंड उस पर बीस का डी डी टी पे किया पेरेंट ने 150 का डिविडेंड और उस पर तीस रुपये का डी पे किया आपसे दो सिचुएशन मैंने पूछनी है पहला जब पेरेंट को क्रेडिट अवेलेबल है दूसरा जब क्रेडिट अवेलेबल नहीं है अगर क्रेडिट अवेलेबल है तो सब्सिडी ने डिविडेंट पे डी डी टी बीस का पे किया है हमें 60 परसेंट यानी पेरेंट को 60 परसेंट यानी कि 12 का क्रेडिट मिलेगा हमारे ऊपर डी डी टी पेबल थर्टी है 12 का क्रेडिट लेंगे तो इफेक्टिवली हम अठारह रुपये पे कर देंगे जब क्रेडिट मिल रहा है तो और क्रेडिट नहीं मिल रहा है तो फिर मुझे पूरे तीस रुपये पी लिमिटेड को पे करना पड़ेंगे दोनों ही केस में सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिविडेंड इनकम पेरेंट अपनी बुक्स में दिखाएगा और सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के सोकी में सब्सिडी दिखाएगा सौ का डिविडेंड और बीस का टैक्स पेरेंट वन फिफ्टी का डिविडेंड और जितना भी टैक्स उसको पे करना पड़ा है क्रेडिट मिला है तो अठारह नहीं तो तीस जो भी उसने एक्चुअल पे किया है वो दिखा देगा यहाँ तक आपकी कहानी सिंपल है कंसॉलीडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या होगा ये भी क्लियर है आपको कि डिविडेंड इनकम कुछ भी नहीं आएगी क्यों क्योंकि हम सब्सिडी के पूरे प्रॉफिट्स लाते हैं डबल काउंटिंग हो जाएगी इसलिए वहाँ की डिविडेंड इनकम तो हट जाएगी अब मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो डिस्कस करने का है एक मिनट में मैं आपको समझा देता हूं इंस्टीट्यूट <coughs> ने जो सोल्यूशन दिया है इंडिया से जो हमें फॉलो करना है एग्जाम में वो ये है कि सब्सिडरी ने जो डिविडेंड बांटा है सौ रुपये का उसमें एन का फोर्टी परसेंट यानी कि चालीस रुपये का शेयर है और उसका प्रपोर्शनेट डी डी टी आठ रुपये है ये हर केस में स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में एन का जो ओपनिंग वैल्यू है प्लस शेयर इन करंट ईयर प्रॉफिट माइनस डिविडेंड पेड टू एन माइनस डी ऑन एन डिविडेंड के रूप में ही डिस्क्लोज होगा क्रेडिट पेरेंट को मिले या ना मिले तो हर केस में एन का ट्रीटमेंट क्लियर हो गया फर्स्ट सेकेंड पेरेंट का क्या ट्रीटमेंट होगा अगर पेरेंट को क्रेडिट मिला है तो आप देखिए सब्सिडरी मेरी कंपनी है उसने सौ रुपये कमाए सौ में से सिक्सटी रुपीज़ बिलोंग टू मी और उससे रिलेटेड ट्वेल्व का टैक्स है एक तरह से सब्सिडरी का टैक्स मेरा टैक्स एनसीआई का पोर्शन हटा दो तो ये बारह रुपए का जो टैक्स उसने पे किया है इसके कारण मुझे अठारह ही पे करना पड़ा तो मैं क्या करूंगा उस बारह प्लस अठारह को स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में थर्टी रुपीज का डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पेड फॉर द ग्रुप दिखा दूंगा यानी सोकी में मैं थर्टी रुपीज का डी डी टी पेड दिखाऊंगा कब जब मुझे क्रेडिट मिला यू कैन सी ग्रीन कलर में जो हमने ये लिया है ये बेसिकली कब है जब हमें क्रेडिट मिला है कदम लेकिन अगर सब्सिडरी ने जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पे किया बीस रुपए का उसमें जो मेरा शेयर है बारह रुपये अगर मुझे उसका क्रेडिट नहीं मिलता है क्यों वो छोड़ो अभी नहीं मिलता है तो मैंने कितना टैक्स पे किया होगा थर्टी रुपीज का डीडीटी मैंने एक्चुअल पे किया पर सब्सिडरी ने जो बारह रुपए पे किया सब्सिडी मेरी कमी है उसने पे भी भी किया मैंने पे किया उसके बारह रुपए भी मेरे डूब गए उससे इंडेस में कहा गया है कि आपको टैक्स एक्सपेंस में ऐड करके दिखाना होगा तो टैक्स एक्सपेंस में आप सिर्फ क्या दिखाओगे सब्सिडरी का वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स जो पेरेंट को बिलोंग करता है जिसका क्रेडिट अवेलेबल नहीं है रिपीट सब्सिडरी का वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स जो पेरेंट को बिलोंग करता है जिसका क्रेडिट अवेलेबल नहीं है ये टैक्स एक्सपेंस में ऐड होगा ये पूरा होल्डिंग के शेयर से जाएगा हम एन का शेयर भी यहाँ पे दिखा सकते थे क्या इंस्टीट्यूट ने जो ट्रीटमेंट दिया है वो उसके अनुसार उन्होंने नहीं, नहीं दिया है वो हर केस में उसको सोकी में दिखाना ही प्रेफर करते हैं बस ये ट्रीटमेंट आपको देना है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स का अगर क्वेश्चन आता है तो ऑलरेडी यू आर अवेयर अबाउट दिस यू नो दिस नेक्स्ट कभी ऐसा हो कि इसके बाद में कोई डिविडेंड पे हुआ है तो नाउ वट दे हैव डन इज अब डिविडेंट विल बी टैक्स डी हैंड ऑफ द रेसिपियट तो इसका मतलब कि सब्सिडी डिविडेंड बांट रही है तो उसको डीडीटी पे ही नहीं करना है और पेरेंट के हाथ में उसको टैक्स होगा लेकिन उसमें भी ये कह दिया गया है सेक्शन एटी अब इंट्रोड्यूस कर दिया गया है हालाँकि वो इफेक्टिव है एक अप्रैल दो एक। और वहाँ पर यह कह दिया गया है कि सब्सिडरी नहीं कोई भी कंपनी से आपको डिविडेंड मिलाए तो वो आपके हाथ में टेक्निकली टैक्स होना चाहिए लेकिन अगर आप उससे आगे डिविडेंड बांट रहे हो तो फिर उसके इसमें आपको टैक्स इफेक्ट नहीं होगा डबल टैक्स नहीं लगेगा इसके ऊपर हम सेपरेट वीडियो और सेपरेट क्वेश्चन आंसर शेयर करेंगे नवंबर 2020 के लिए शायद रेलिवेंट नहीं होगा दैट इज वाई आई एम जस्ट काइंड ऑफ जस्ट टचिंग अपॉन दिस एंड अ वेरी गुड क्वेश्चन इफ यू जस्ट वांट टू काइंड ऑफ क्विकली गो थ्रू जिसका हम ऑलरेडी एक रिविजन ले चुके हैं इज़ नवम्बर टू थाउजेंड रिविजन टेस्ट पेपर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग न्यू कोर्स का क्वेश्चन नंबर टेन ये क्वेश्चन नंबर टेन में इन्होंने सारे सीनारीओज दे रखे हैं और उसका यहाँ पे ये सोल्यूशन दे रखा है इन सारे सिनारीोज़ में इन्होंने क्या कवर किया है सब्सिडी ने डिविडेंड बांटा उसके ऊपर डीडीटी लगा पेरेंट ने ए उसका क्रेडिट मिल ही नहीं रहा है पेरेंट को बी क्रेडिट मिल रहा है और पेरेंट ने यूटिलाइज कर लिया थर्ड सब्सिडी ने डिविडेंड बांटा सौ रुपए का सपोज बीस रुपए का डीडीटी आया साठ आए पेरेंट के पास पेरेंट ने डिविडेंड ही पचास रुपए बांटा है तो डेफिनेटली सिक्सटी के ऊपर बारह रुपए और पचास पे दस ही पे करना है तो दस का क्रेडिट मिल गया दो बचा हुआ कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है इंडिया में तो नहीं है ऐसा नाम तो वो फिर आपको खर्चा है आपका तो वो आपको उतना टैक्स एक्सपेंस में शो करना पड़ेगा वो सारे सिनारी कवर कर सकते हो आई होप दिस क्विक शॉर्ट वीडियो वुड release all your pressure confusion doubts with respect to the concept of dividend distribution tax and how to deal this and this is one practice question given by the institute which we have dealt with in the revision of the mock test paper and the concept is something which I've dealt up here in this particular slide is cop simply the executive which all the best uh, wishes uh, to you for your exams and uh, quick small tips uh, if I just want to share with you is, आई एम श्योर आपको बहुत सारी हिदायतें मिल चुकी है कि भैया किस तरह से अपने को एग्जामिनेशन हॉल में जाना है माज की तैयारी कैसे करनी है मैं उन सब के अलावा एक कॉमन टिप्स दे देता हूँ जो हर एग्जाम के लिए इक्वली रेलिवेंट होती है नथिंग कोविड स्पेसिफिक और कोविड सिनेरियो स्पेसिफिक आई शुड से वन पहले पेपर में शुरू में स्पीड कम आती है तो प्लीज़ ध्यान रखना राइट फ्रॉम द फर्स्ट मिनट आपकी स्पीड मेंटेन हो सेकेंड स्पीड मेंटेन करने के लिए शुरू में पहले कॉन्फिडेंट हो जिस क्वेश्चन में उससे शुरू करना जिसमें कॉन्फिडेंस ये नहीं है कि क्वेश्चन आता है कॉन्फिडेंस ये है कि ये देखा हुआ है और इसका आंसर का फॉर्मेट भी काफ़ी कुछ याद है मैं लिख सकूँगा पहले क्वेश्चन में एकदम से ज़्यादा स्पीड करने जाओगे तो शायद थोड़ी बहुत गलतियाँ होंगी तो गेयर आपको फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ ये गेयर पहले क्वेश्चन में बदलना होंगे सेकेंड क्वेश्चन ऑनवर्ड यू शुड बी रनिंग ऑन द फोर्थ एंड फिफ्थ गियर शुरू में एक्यूरेसी पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा

वन पॉसिबल लॉजिक ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग इज कि हमारे पास 1.8 पॉइंट एट मिनट्स पर मार्क होते हैं तो उस लॉजिक से एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं यूजुअली 20 मार्क का एक क्वेश्चन होता है तो 36 सिक्स मिनट्स पर क्वेश्चन आप स्पेंड कर सकते हो ये लॉजिक से अगर आप चलना चाहें तो इसमें आई वुड सजेस्ट कि शुरू में यू की फोर्टी मिनट्स एटलीस्ट फॉर वन पर्टिकुलर क्वेश्चन ऑफ ट्वेंटी मार्क्स सो दैट इनिशियली आपकी थोड़ी सी स्पीड कम होती है बट ये बिल्कुल तय है कि अगर किसी भी क्वेश्चन में एक्स्ट्रॉडिन्री टाइम लग रहा है तो उसको वहीं पर आप ब्रेक दे दीजिए एक पेज खाली छोड़ दीजिए याद रखना कभी नहीं भर पाए वापस नहीं आ पाए तो उसको कैंसिल कर देना और आगे बढ़ जाओ डेफिनेटली हंड्रेड परसेंट पेपर सॉल्व करने से आपकी मार्क्स कैप्चर करने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी राधर देन नाइन्टी या एट्टी परसेंट पेपर बहुत अच्छे से करने से इसलिए हमें हंड्रेड परसेंट कवरेज पेपर की करना है ये इंपॉर्टेंट है आखिरी में समय मिलना नहीं है कि आप पूरा पेपर रिव्यू कर पाओगे पर एक मिनट जरूर रखना एक बार रिव्यू करने के लिए कोई खाली स्पेस ब्लैंक वगैरह है तो उसको हटा देने के लिए प्रेजेंटेशन में डू नॉट वर्क टू मच ऑन नीट टाइड खुला खुला बनाने के लिए रादर वर्क की जो जो चीजें आना चाहिए आंसर में वो सब आ जाए डू नॉट फोकस टू मच ऑन पहले बैलेंस शीट फिर वर्किंग नोट जो आपका हैंडी सिक्वेंस आप फॉलो करते आए कॉपी में जब आपने क्लास के दौरान स्टडी करी या अपनी एग्जाम लीव के दौरान जो प्रिपरेशन आपने करी जिस तरह से करी है उसको ध्यान में रखते हुए वैसे ही करें पहले वर्किंग नोट फिर क्वेश्चन जैसा है चलने दीजिए डू नॉट ट्राई एनी थिंग न्यू देयर एंड फॉलो वॉट यू बीन डूइंग सुन सौंदर्यकार करने के लिए पेन से ही जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसे हाईलाइट करना बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत इंपॉर्टेंट है यू शुड कैच दी एग्जामिनर्स अटेंशन कि जो क्रिटिकल चीज़ें आंसर की जो एंडेज आपने यूज़ किया उसका नाम जो की प्रोविजन है और आपका जो कंक्लूजन है कॉन्फिडेंट हो एकदम प्रॉपरली वही पेन से अंडरलाइन कर दीजिए डो नॉट ऑब्वियसली स्पेंड टाइम ऑन गेटिंग अ पेंसिल और समथिंग डो नॉट स्पेंड टाइम ऑन क्रिएटिंग चार्ट और एनीथिंग जिस चीज़ के मार्क्स मिलने वाले हैं आपको वही चीज़ करना है इनकेस कभी पहला क्वेश्चन ऑफ बीट आ जाता है समथिंग विच यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अ डिफरेंट चैप्टर और कॉन्सेप्ट डू नॉट वरी आप बोलो वो इंस्टीट्यूट क्या तू हमारे साथ ऐसा करेगा हमें तो पहले ही मालूम था कि तेरी हरकत होगी होगी साल भर बाद एग्जाम ले रहा है जान करके पहला क्वेश्चन तू ऐसा ही पूछेगा ये तेरी पुरानी आदत है इंस्टीट्यूट हम जानते हैं बहुत अच्छे से बट हमारी अलमा मैटर हमें मालूम है कि आपका ये आशीर्वाद हमारे पास है इसलिए हम जानते हैं कि आप ऐसा करने वाले हमें कोई दिक्कत नहीं है पूरा पेपर हमने पंद्रह मिनट में पढ़ लिया है मैं मालूम है ये कंपलसरी क्वेश्चन में कुछ चैलेंज है वी विल स्टार्ट विद नेक्स्ट क्वेश्चन एंड देन वी विल काइंड ऑफ पॉसिबली टेक इट अप वेर वी आर मोर कॉन्फिडेंट ओनली इन केस द फर्स्ट क्वेश्चन कम्स अ लिटिल ऑफ बीट समथिंग विच इज़ बियॉन्ड योर एक्सपेक्टेशन ध्यान रखना जब आप शुरू में जो क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिस किए हुए हैं देखे हुए हैं कॉन्फिडेंट हो वो करोगे ना तो वो कॉन्फिडेंस में जो क्वेश्चन आपको थोड़ा ट्रिकी लग रहा है जब करने जाओगे तो वो भी आपसे हो जाएगा क्योंकि कॉन्सेपच्चुअली आप स्ट्रॉग हैं तो यू विल बी एबल टू डू एवरी पर्टिकुलर काइंड ऑफ अ क्वेश्चन पंद्रह मिनट के पेपर में ये भी देख लेना कि क्या बहुत लेंदी लग रहा है जैसे फाइनल काउंट्स यानी फुल फ्लिजेट टाइप के तीन क्वेश्चन आ गए तो पेपर लेंदी बन सकता है देन दैट के स्पीड राइट फ्रॉम द बिगनिंग उस तरह की मेंटेन करने की प्लीज कोशिश करिएगा And uh, given all these particular facts, uh, keep a watch. ऑलवेज़ ऑन द क्लॉक कि हमारा टाइम कितना हो रहा है हम पेपर कैसे सॉल्व करना चाह रहे हैं ताकि हमारा पूरा पेपर हो सके एंड uh, जो भी गेयर्स वगैरह आप लेके जाना है बी श्योर अबाउट इट दैट यू बीन टेकिंग नथिंग विच इज़ न्यू समथिंग विच यू बीन यूजिंग कॉन्स्टेंटली एक स्पेसिफिक टिप विच आई ऑलवेज जस्टिस की एग्जामिनेशन ऑल में डिसेंट पहले टाइम पर आप पहुँच जाइए सो दैट यू आर एटलीस्ट सेटलिंग डाउन विद डैट काइंड ऑफ एग्जाइंटी विच हैपन्स इफ यू जस्ट रश थ्रू दी एग्जामिनेशन हॉल wish you all the very best for all your papers do very well if you have just 30 seconds after the paper and if you wish to open up your uh, mobile phones do give me a short feedback in terms of how did the paper go for you uh, thank you very much after the paper is over i'll come out with a review for the paper in terms of how is it आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड नॉट टू सी दट पर्टिकुलर रिव्यू इफ यू आर कॉन्फिडेंट ऑफ वट यू एव डन पर आपको लग रहा है कि नहीं जब तक मैं नहीं देखूंगा एल नॉट भी एबल टू कॉन्सेंट्रेट फर्दर यू कैन सी दै यूजअली स्टूडेंट हुए प्रिपेयर वेल वो रिव्यू देख के ज्यादा कॉन्फिडेंट और बेहतर ही फील करते हैं आई होप देपन्स विद यूज वेल थैंक यू वेरी मच एंड वन अगेन ऑल द बेस्ट यू